हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी श्रुति मिश्रा। आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज प्लीज दैट बटन को प्रेस कर दीजिएगा जो नीचे लगा हुआ है, जस्ट बगल में लगा है बेल बटन, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मैं नया वीडियो बनाऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। गाइस, आज मेरा वीडियो होने वाला है एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में। एंड गाइस, ये है वाओ का विटामिन सी क्ले फेस मास्क। हेल्प करता है आपके फेस की डलनेस को कम करने में, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है, लाइट करता है और सारी स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। आप जानना चाहते हैं कि इस फेस पैक पे आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, या आपकी स्किन पे वर्क करेगा कि नहीं, इसका रिजल्ट है कैसे, इसके साइड इफेक्ट है, सब कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है क्योंकि वीडियो के एंड में मैं शो करूंगी इसका डेमो, इसका लाइव रिजल्ट आफ्टर एंड बिफोर वाला। वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक जरूर करिएगा। फीडबैक आप मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा। सो गाइज, ये है हमारा वाओ स्किन साइंस विटामिन सी क्ले फेस मास्क। भी आपको पैराबेन नहीं मिलेगा, कलर नहीं है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं और मिनरल ऑयल नहीं है। इसमें काफी अच्छे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो कि मेंशन किया गया है, ककादू प्लम लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, जजोबा ऑयल एंड बेनोटीन क्ले। तो आप सोच रहे होंगे कि ये ककादू प्लम क्या है। इस ककादू प्लम एक प्लांट है जो रिच होता है गैलिक एंड एलर्जिक एसिड्स में। ये हेल्प करता है आपके कोलेजन को बूस्ट करने में, डैमेज जो स्किन हो चुकी है उसको रिपेयर करने में। एलर्जिक एसिड मिल जाएगा जितना आपको बेरीज में नहीं मिलता, बेरीज से ज्यादा इसमें एलर्जिक एसिड है, तभी हेल्प करता है आपको स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्ट करने में। मतलब कि अगर ये आपकी स्किन में है तो आपको यूवी रे से प्रोटेक्ट करेगा। साथ में डाला गया है गाइस लेमन, जो कि रिच होता है विटामिन सी में, स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है, संतरे का रस है जो कि कॉम्प्लेक्शन को अगेन ब्राइट करता है, और जोजोबा ऑयल है स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और बेनोटाइल क्ले है जो कि पिंपल्स और एक्ने को कंट्रोल करता है। अगर बात करें इसकी प्राइस की तो गाइस ये है 200 ml का फेस पैक, इस 599 rupees, और शेल्फ लाइफ आपको मिल जाएगी 2 years की। प्राइस के लिए परेशान ना हो क्योंकि ये आपको डिस्काउंट में ज्यादातर मिल जाएगा। वाओ के ऐप में ज्यादातर बाय वन गेट वन ऑफर चलता रहता है, जिसमें आपको एक खरीदोगे दूसरा फ्री मिलेगा, या फिर आप इसको अमेजोन में भी चेक कर सकते हैं। उस सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। उसमें ही आपको अप्रोक्स 400 rupees का मिल जाएगा। एंड अगर बात करें पैकेजिंग की तो गाइस ये आप देख सकते हो काफी बड़ा सा जार है, के हिसाब से क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। कार्डबोर्ड बॉक्स है, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स में मेंशन की गई है। अंदर कुछ इस तरीके का हैवी सा जार मिल जाता है, आप देख सकते हैं जार ऊपर तक भरा हुआ है, काफी ज्यादा क्वांटिटी है इसमें। और साथ में गाइस ये एप्लीकेटर, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एप्लीकेटर से जब आप फेस मास्क लगाओगे तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये, बहुत इवनली अप्लाई होता है फेस मास्क। अगर बात करें इसके क्लेम की कि प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है, टैन को रिमूव करेगा, पोर्स को रिमूव करेगा, स्कार्स को रिमूव करेगा, फेस की डलनेस को हटाएगा, नेचुरल मॉइस्चर को मेंटेन करेगा जो कि इसमें जोजोबा ऑयल डाला गया है, साथ ही साथ इस अनइवन स्किन टोन को कम करेगा, स्किन को टोन को इवन करेगा और फेस को ब्राइट करेगा। तो गाइस ये सारे इसके क्लेम है जो कि ये क्लेम करता है। अगर बात करें इसको यूज करने का तरीका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप इसका पैच टेस्ट कर सकते हैं, इन केस अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स एलर्जी हो जाती है तो डेफिनेटली आप इसका पैच टेस्ट कर लो। अप्लाई करने का जो मेथड है बहुत सिंपल है, आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, फेस हल्का सा वेट रहे उसमें आपको अपने फेस, थोड़े से डैम्प फेस पे आप अपने मास्क को इवनली अप्लाई कर सकते हैं, आईज और लिप्स में छोड़ देना है, आईब्रोज में। जब आपका फेस पैक सूख जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले, उसके बाद आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर ले। आप रिजल्ट देख सकते हैं, इसको मैंने पहले ही अप्लाई किया था, ये फेस को कितना ज्यादा ब्राइटन लुक दे रहा है। आप बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट भी देख सकते हो, फेस कितना ब्राइट लग रहा है। अगर आप इसको
दो बार यूज करते हैं रेगुलर बेसिस में, तो गाइज बिलीव मी आपके डार्क स्पॉट्स और स्कार्स को भी बहुत कम कर देगा। मेरे फेस में जो डार्क स्पॉट्स थे वो बहुत कम हो गए, एंड साथ ही साथ ये फेस को मॉइस्चराइज भी करता है। ये फेस को बहुत ही ज्यादा एक ल्यूमिनस इफेक्ट देता है। क्योंकि ये फेस मास्क का रिजल्ट देख के आपको लगा ही होगा कि ये कितना अच्छा रिजल्ट देता है, फेस को कितना ज्यादा ब्राइटन करता है गाइज। ये साथ ही साथ आप फेस के टैन को रिमूव करता है, जिसकी वजह से फेस ब्राइट फील होता है। इसको यूज करने के बाद मुझे कहीं से भी एलर्जी नहीं हुई, कोई भी ब्रेकआउट्स नहीं हुए, कोई पिंपल और इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन ये डार्क स्पॉट्स पे भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। बट अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो ये शायद आप पे उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ऑयली स्किन वालों को, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ये परफेक्ट है। ड्राई स्किन वाले इसका उपटन वाला ट्राई कर सकते हैं, वो ज्यादा परफेक्ट वर्क करेगा ड्राई स्किन पे, क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग अलग स्किन टाइप पे वर्क करते हैं, तो सब सबके लिए नहीं होता। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए एक अच्छा प्रोडक्ट चूज करो। सो गाइज, मैं वाओ का विटामिन सी क्ले फेस मास्क हाईली रिकमेंड करूंगी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को, जिनको डार्क स्पॉट, टैन और डल स्किन की प्रॉब्लम है। डेफिनेटली इसको ट्राई करो, थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। आप पैसे फालतू के प्रोडक्ट्स में खर्च करते रहो, रिजल्ट भी ना मिले, उससे अच्छा है थोड़े से पैसे लगा के आप एक प्रोडक्ट परचेस करो जो आपको अच्छा रिजल्ट दे। अगर आपको मेरा वीडियो और डेमो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अब कर दो, रेड बटन को प्रेस करके, और जिस बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।